ना नमकीन गुथे आटे की बेहद टेस्टी और शानदार रेसिपी जो कि आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है। आज से पहले आपने इसे कभी नहीं देखा, इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए करते हैं जिसको शुरू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ एक वीडियो फिर से लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। जिसे बनाने के लिए हम एक कटोरी गेहूं का आटा लेते हैं। ये नॉर्मल वही आटा है जिससे हम रोटी पूरी पराठा बनाते हैं। इस पर डाल देंगे स्वाद के अनुसार से थोड़ा कम नमक। एक चम्मच घी भी हम इस पर ऐड कर देते हैं और सारी चीजों को बढ़िया से आपस में ऐसे ही ड्राई ही मिला देते हैं, जिससे आपस में सारी चीजें मिल जाएं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सख्त सा डो तैयार कर लेते हैं। हमें इसका जो डो तैयार करना है वो सख्त ही तैयार करना है। सख्त क्यों तैयार करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आप चाहें तो इसको गूथे आटे से बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो आटा गूथा जाता है वैसे ही मैंने आपको दिखाने के लिए आटा गूथ कर बताया। और बढ़िया से हम इसको मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। जब तक मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखिए आटा हमारा एकदम सख्त बनकर तैयार हो गया है। जिस तरीके का हम पूरी पराठा बनाते ना, सेम वैसा ही आटा हमें गूथना है। और अब हम आटे को उठाएंगे और एक चकली पर रख लेते हैं और इसको लंबा लंबा रोल कर देते हैं, जिस तरीके के हम रोटी पूरी पराठे की लोइयां बना दें। रोटी की तरह हम इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा छोटे ना करें। और एक पेड़ा उठाएं हाथों में, इस तरीके से इसको राउंड करें और सेम रोटी जैसा ही आपको बनाना है। एक प्लेट पर हम रखते जाएंगे, फिर से पेड़ा उठाएंगे, फिर से राउंड करेंगे, फिर से इसको हम प्लेट पर रख देंगे। सारे पेड़ा हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। ना हम इसकी रोटी पूरी पराठा कुछ भी नहीं बनाने वाले, हम बनाने वाले हैं आटे की बहुत ही टेस्टी और नई रेसिपी। तो अब हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी जिससे हम सेव वगैरह नमकीन बनाते ना, इस वाली मशीन की। ये हर किसी के घर पर अवेलेबल होती है, तो ग्रीस करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस पर हम डालेंगे ये जो मोटी वाली जाली होती ना, ये वाली डालना, एकदम महीन नहीं डालेंगे। और एक एक लोई उठाकर हम इस पर डाल देंगे। एक बार में जितनी लोइयां इस पर आ जाए ना, उतनी आप इस पर फिल कर दीजिए। आप इसका रोल बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी लोइयां बनाने से काफी सुविधा होती है। अब हम मशीन को कर देते हैं बंद, और बंद करके अभी हम मशीन को एक साइड के लिए रखेंगे, गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने रखा एक मोटी तले का भगोना और इस पर डालेंगे हम एक से डेढ़ लीटर पानी। पानी हमें थोड़ा ज्यादा सा यूज करना। आधा चम्मच हम इस पर नमक डाल देंगे। इसी के साथ हम इस पर डालेंगे 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं। और इसको कवर कर देते हैं और इसका बॉयल आने तक हम वेट कर। आप देख पा रहे हैं बढ़िया से उबाल आ चुका है। ऐसे ही पानी में बराबर उबाल आते रहना चाहिए। ये हमने जो मशीन ली थी ना, ऊपर से हम गोल गोल घुमाते जाएंगे, लंबे लंबे नूडल्स हमारे निकलने लगे। पानी में ऐसे ही उबाल आते रहना चाहिए। इसमें आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, उबलते पानी में ही डालना है, जिससे नूडल्स पानी में जाते ही सेट हो जाते हैं। नूडल्स जब बन जाए तो आप इस तरीके से इनको तोड़ दीजिए। 2 मिनट बिना छेड़े ही इसको पकने देंगे और 2 मिनट बाद इनको हम चला देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सख्त आटा गूंथना है। सख्त आटा यदि आप नहीं गूंथेंगे तो ये पानी में खुल जाते हैं। और 3 से 4 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप हाथों से तोड़ के देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए अभी 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे। मैं आपको इसका एक परफेक्ट तरीका बता रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पक चुके हैं। इस पर जो झागा था बिल्कुल भी बंद हो जाएगा, समझ लीजिए पक चुके हैं। अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और इनका पानी हम एक छन्नी में छान लेते हैं। जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी ना, उसको भी छटकार दीजिए और ठंडा ठंडा पानी डाल के इसको बढ़िया से वॉश कर लीजिए, जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस ना वो रुक जाए। नॉन स्टिकी खिले खिले नूडल्स हमारे जिससे हो जाए। इनका पानी भी हमने झटका दिया। परफेक्ट गुथे आटे की नूडल्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको हम साइड पर रख देंगे। देखिए एकदम नॉन स्टिकी है, काफी लंबे लंबे बने। सब्जियों पर हमने इस पर लिया है टमाटर, जिसके बीज हटा दिए। साथ ही हमने 2 बड़े साइज का प्याज और पत्ता गोभी, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्ची, लहसुन की कुछ कलियां, सारी सब्जियां हमने लंबे लंबे चॉप किए हैं। अब चलते हैं पकाने की प्रोसेस पर। कढ़ाई पर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अब हम इस पर डालेंगे लहसुन की कलियां। इसी के साथ जो हरी मिर्ची लिए वो भी हम ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो प्याज लिया है ना, इसको हमने इस तरीके से लंबाई में चॉप किया, इसको भी हम इस पर ऐड कर देंगे। चीजों को हम रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम इनको नहीं फ्राई करेंगे,
बस हल्का सा ही हम इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा इनमें क्रंच रहना चाहिए, तभी इनका खाने में मजा आता है। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी, अब हम इस पर कुछ सब्जियां हैं। सब्जियों पर हमने लिया है पत्ता गोभी, साथ ही कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्ची और गाजर। सारी सब्जियों को हम इस पर डाल देंगे और सब्जियों को हम एक बार बढ़िया से कर देते हैं मिक्स, जिससे ये ऑयल और सारे मसाले के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए। अब हम इस पर डालेंगे सब्जियों के अनुसार थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब नमक और एक बार हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद सब्जियों को हम इतना फ्राई करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, जिससे इनमें क्रंच बरकरार रहे। इस रेसिपी में सब्जियां आप अपने पसंद की कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी, इससे ज्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इस पर डालेंगे सॉसेस, 1/2 चम्मच हम इस पर सोया सॉस डालेंगे, साथ ही हम इस पर लेंगे 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, इससे तीखापन आता है, बहुत ही टेस्टी हमारी ये रेसिपी बनेगी। और साथ ही हम इस पर लिया है 1 चम्मच टमाटो केचप, और हम इस पर लेंगे खास इंग्रेडिएंट्स, वो है अजीना मोटो, जो कि मार्केट पर जरूर डाला जाता है, एकदम मार्केट स्टाइल बनेगी। और 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 चम्मच हम इस पर लेंगे सेजवान सॉस, और सारे सॉसेस को हम बढ़िया से मिक्स करके थोड़ा सा पका लेते हैं। 40 सेकंड से ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सॉसेस हमारे पक चुके हैं, जो हमने नूडल्स बना के रखा हुआ था, कितने बढ़िया, एक एक सारे हम इस पर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हम इस पर नमक डाल देते हैं, नमक हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अब सारी चीजों को करते हैं मिक्स, लेकिन इस तरीके से तो ये बढ़िया से मिक्स नहीं होगी, तो मार्केट स्टाइल हमने 2 स्पून लिए हैं, तो इस तरीके से हम मिक्स करेंगे तो ये बढ़िया से मिक्स हो जाती है। आटे की एकदम टेस्टी और नई रेसिपी, शायद ही आपने आज से पहले इसे कभी खाया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के बाद आप बच्चों से कभी भी नूडल्स और चाउमीन खाने से मना नहीं करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट मिक्स हो चुके हैं, बस अब इस स्टेज पर आप इसका टेक्सचर, आया ना आपके मुंह में भी पानी, एकदम मार्केट स्टाइल तीखा चटपटा स्ट्रीट स्टाइल हमारा नूडल्स बना है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे गर्म। नाश्ते को देखने के बाद आपके घर से मैगी, पास्ता, चाउमीन, पिज्जा सबकी तो छुट्टी होने वाली है। आप इस रेसिपी को बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते पर खिला सकते हैं या मेहमानों को सर्व करिए, कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसको मार्केट से लाया कि घर पे बनाया। जिसे भी आप खिलाएंगे वो वाह वाह करते जाएंगे और आपकी तारीफें करते नहीं रुकेंगे, बार बार आपसे यही बनवाए। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कॉमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नन्ना सा बेल आइकन ना उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।